नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास रायकवार। दोस्तों, बहुत से लोगों का मसला होता था कि ये जो क्रैंक के नंबर कौन देता है, तो ये मैं बुश वाला इंजन फिट कर रहा हूँ। तो आपको अगर इंजन मतलब आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे टाइमिंग वगैरह और अच्छी सेटिंग जाने जितना भी सिस्टम है सब आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जब हम क्रैंक बनवाते हैं, जिसके पास ले जाते हैं, तो वो क्या कहता है, वो बनाता है अपने हिसाब से। और इसके बाद ये देखो, ये बुश वाला है, यहाँ पे बुश पड़ेंगे वो ऐसे वो वाले, तो होगा मैं देख लें डारा ना, तो ये वाला बुश वाला है, तो यहाँ पे भी कटिंग होती है, यहाँ पे भी कटिंग। ये हो गया ऑयल की जगह, तो ऑयल है। और इसके बाद ये है क्रैंक, तो इस मतलब ब्रास जो है 100 नंबर वही देते हैं, जो ये रिपेयर करते हैं वही बना के नंबर दे देते हैं। 110 मेन बैरिंग गई हैं और ब्रासें जो है 100 नंबर और ऑयल पंप 20 नंबर। तो अब इसके बाद में इसको सेट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसके जो मेन बैरिंग है उनको सेट कर लेंगे अच्छे से। ये रही मेन बैरिंग, और इसकी जो सीमें कितनी डालनी है आगे पीछे, यानी क्रैंक फिटिंग का पूरा वीडियो, और इसके बाद फुल रिपेयरिंग A to Z इसमें सब मैं बताऊँगा मैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये लगाते हैं, इनकी जो मेन बैरिंग है इनको निकालना पड़ेगा, और इनके बाद हम इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसका जो ऑयल पंप है वो डाल दिया है, और इसके बाद अब इसको क्रैंक को कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो देखिए, एक यहाँ पे एक मैंने ये जो बुश वाला है, बुश में ये सीमें डाली जाती हैं, ये कि जिससे क्रैंक जो है ना आगे पीछे मतलब जो डग होता है ना उससे इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने ये डाल दी है, और इसके बाद ऑयल पंप ये रहा। अब इसको मैं सेट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको सेट करना है। मोबाइल थोड़ी डाल देते ना, खोल लई का कट्टी मोबाइल के टेपर आ बैठे निका, हाँ बैठ गए। तो मैंने इसका जो क्रैंक है वो अच्छे से फंसा लिया है, देख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो इसकी हाउजिंग है, इसकी जो हाउजिंग है मैं ये लगाता हूँ आराम से। ऑयल सील मैंने जो इसकी ऑयल सील जो है ना वो डाल दी है, 200-316 लगती है इसमें। तो ये मैं सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसकी जो हाउजिंग है अच्छे से मैंने लगा दी, इसके बाद पैकिंग भी लगा दी, और ये नट अच्छे से टाइट करना है। टूट जाए वो अलग बात है, पर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइट अच्छे से करना, इसमें कोई भी दिक्कत ना करे। और मैंने जो सीम बताई थी मैं उसको भी डाल दें, जिससे क्रैंक जो है ना आगे ये जो गैप है ना क्रैंक का जो गैप दिख रहा है ना, ये जब हम यहाँ पे पीछे किर्रा लगाएंगे ना तो वो गैप सही हो जाएगा, और जो है आगे पीछे होना जो बंद हो जाएगा। तो मैं अभी बताऊंगा कैसे आगे पीछे जो है बंद किया जा सकता है, और जो भी सिस्टम है। और इसके बाद हमें जो बेड लगाना होता है, बेड उल्टा और सीध कई बार लगा देते हैं तो इंजन जो है इंजन फटने के चांस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इंजन जब भी फटता है तो क्या होता है कि ये जो बेड के बोल्ट होते हैं ना, ये बेड के बोल्ट टूट जाते हैं, तब इंजन जो है फट जाता है और बॉडी फोड़ के निकल जाता है। तो मैं भी बताऊंगा तुम्हें कि जो बेड होते हैं उनका साइज किस तरफ रखना है, और कैसे आपको रखना है कि इंजन जो है जिसमें फटे ना। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो मैं बेड लॉक लाता हूँ, और उनको बेड लॉक लगाना पड़ेगा, और कैसे लगाना है वो भी दिखाता हूँ मैं। तो इसके बाद मैं बेड लगाता हूँ, तो जो ये जो कटिंग देख रहे हैं आप, ये कटिंग रहेगी अंदर साइड, मतलब ये ऐसे नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये जो हिस्सा है ये अंदर तरफ रहेगा बॉडी तरफ, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। तो ये जो हिस्सा है ना ये अंदर तरफ रहेगा, अब जैसे मैंने हाथ में ले रखा है ना वैसे ही आपको लगा देना है। तो दूसरा वाला मैंने लगा दिया है, इसको भी टाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो टाइमिंग सेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहले टाइमिंग सेट करने के लिए इसको हल्का हल्का टाइट कर लें, मतलब थोड़ा सा टाइट कर लें पहले। तो देखो मैं कैसे टाइट करना है, तो देखो ये जो एक चल रही है, एक दूसरी भी चल रही है, मतलब
एक ये चल रही हैं, एक तरफ घुमाने में एक चल रही है और दूसरी तरफ घुमाने में एक चल रही है, तो आपको ऐसे वो तो अपने आप वहीं पे अटक जाएगा दोनों के बीचों बीच में। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा टाइट कर लेना है, मतलब जो मतलब टाइट कर लें आप टाइमिंग सेट करते समय, ये वाल दब जाए थोड़ा थोड़ा। अब देखने अब क्या करना है आपको, ये पहिए केम शाफ्ट को घुमाना है और देखिए घुमाया ठीक ये। इसके बाद अब टाइमिंग सेट करना, ये दबी थोड़ा सा टाइट, हाँ ये आ गया। अब देखिए एक तरफ घुमाने में एक चल रही है, दूसरी तरफ घुमाने में एक चल रही है, तो ये अपने आप ये देखिए देखना ये और ये चली और इसके बाद ये चली। तो ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो टाइट कर दोगे तो अपने आप वहीं पे रुक जाएगी ये ठीक। और इसके बाद अब इसका जो पिस्टन है, ये चाबी है ना इसकी, हाँ ये चाबी है, बिल्कुल ऊपर कर लेनी है, बिल्कुल ऊपर साइड, और बस इसको किर्रा जो है इसका इसका किर्रा जो है लगा देना है आपको अच्छे से। यह इंसान डर रहा, टाइट रहा है। तो मैं इसको अच्छे से लगाता हूँ और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे ही टाइट कर देना है आपको, क्या है ना कि ऐसे जाएगा नहीं ये माला, तो ठोक तो दिया है ये ले 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 टाइट हो रहा है ना, मैं सबरी लगा के नहीं कर रहा हूँ, घास देगा तो इसे। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लूँगा, इसके बाद ये आराम से चला जाएगा। आउट हो गया भाई। तो मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, सबरी लगा के टाइट किया था, मतलब काफ़ी टाइट था, टाइम लग गया काफ़ी, भैया ढील है महाराज जी टाइट करेंगे पर यही ढील है हाँ। ये नट अभी टाइट करके इसके बाद हम, तो इसके बाद मैंने इसको अच्छे से नट इसका लगा दिया। अब एक बार टाइमिंग में आपको चेक करवा देता हूँ। सो तो इसे घुमाओ ना महाराज जी, टाइट है ना, घुमाओ तो इसे। ये चली अब एक ये यहाँ पे रोकना, देखिए ये मतलब ये चल रही है, ये चली और ये चली, ये अब इनके दोनों के बीचों बीच ये ठीक, दोनों के बीचों बीच। अब ये देखिए पिस्टन, ये जो पिस्टन है ये टॉप पे मतलब जो है ना बिल्कुल ऊपर है, क्या है ना कि हमने ये बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल ऊपर है, तो ये टाइमिंग जो है हमारी परफेक्ट हो चुकी है।